हेलो फ्रेंड्स, तो गुड़ी पाड़वा की आप लोगों को हार्दिक शुभेच्छा। तो इस बार मैं गुड़ी पाड़वा पे स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, जो महाराष्ट्र की जो गुड़ी पाड़वा पे बनाई जाती है वो रेसिपी है। जैसे कि मसाले भात है, ये यहाँ पे बहुत ही पसंद की जाती है फ्रेंड्स, और बहुत ही इसका यूनिक सा टेस्ट होता है। तो इसकी रेसिपी मैं अपलोड करूँगी मसाले भात की। ऐसे तो बहुत सारी रेसिपी बनती है, बहुत सारे गुड़ी पाड़वा पे रेसिपी बनाई जाती है, पर मैं कुछ रेसिपी आपके लिए भी लेकर के आई हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे गुड़ी पाड़वा स्पेशल ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी थी। तो ये है मसाले भात, जो यहाँ बहुत पसंद की जाती है। और फ्रेंड्स, ये है आम पन्ना, जो गर्मियों में भारत के हर हिस्से में बनता है। तो ये महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा पे स्पेशल रूप में बनाया जाता है और सभी घर में बनता है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत होती है। तो आम पन्ना हमारे शरीर को ठंडक दे, इसके लिए बनाई जाती है। और फ्रेंड्स, ये है मट्ठा, जो विशेष रूप से मसाले भात के साथ खाई जाती है। तो इसकी भी रेसिपी मैं अपलोड करूँगी और आप ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, ये है बासुंदी, जो यहाँ की बहुत ही फेमस मिठाई है। महाराष्ट्र में हर ओकेज़न में बनती है और गुड़ी पाड़वा पे तो ये ज़रूर बनाई जाती है। तो मैं इसकी एक बहुत सी आसान रेसिपी अब आप लोगों को बताऊंगी, और तो ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पे। और एक एक करके ही मैं रेसिपी अपलोड करूंगी, एक साथ सारी नहीं, क्योंकि फिर बोर होता है ना उतना लंबा। तो मैं एक एक रेसिपी अपलोड करूंगी। और फ्रेंड, ये है श्रीखंड, जो कि सभी को पसंद आता है ये श्रीखंड, और इसकी मैं एक बहुत सी आसान रेसिपी आप लोगों को शेयर करूंगी। तो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड, और ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। तो गुड़ी पाड़वा पे ऐसे तो बहुत सारी रेसिपियां बनती हैं, पर मैं कुछ ही लेकर के आई हूँ, क्योंकि सभी बनाना तो पॉसिबल था नहीं, पर मैं इस साल लाई हूँ कुछ, तो अगले साल भी लाऊंगी। और फ्रेंड, ये है पूरन पोली, तो इसको तो इंडिया में कौन नहीं जानता होगा। ये बहुत अच्छी बनती है फ्रेंड, और बहुत अच्छी लगती है। तो इसकी एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी मैं लेकर के आई हूँ, जिसको आप लोग बहुत आसानी से बना लेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस गुड़ी पाड़वा आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत बहुत इन्जॉय कीजिए, और खाइए पीजिए और खुश रहिए फ्रेंड। और गुड़ी पाड़वा खूब अच्छे से मनाइए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा फ्रेंड, और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।